इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव भगवान का भरत जी पर अनुराग देखकर और मनसा वाचा कर्मणा अपना सब प्रकार प्रिय मानते हुए मेरे सरकार श्री मुख से बोले, नाथ सपत चरण दोहाए। आपकी सुगंध मुझे पिताजी के चरणों की दुहाई। पिताजी की टेक रखता हूं, दुहाई लेता हूं। धरती पर अंतः और बहिर्भाव से पवित्र भरत जैसा भाई भया ने जिनकी आपके चरणों में इतनी अगाध श्रद्धा, जिन पर आपका ऐसा स्नेह, भगवान गदगद हो गए। कोई कोई जीव भगवान के प्रति कितना, उनको देखकर अपना लगता है हमने तो प्रारंभ ही नहीं किया। ऐसा मत, जानते हम कर रहे हैं, हम यात्रा में हैं। कई साधक हमसे भी अधिक यात्रा में पहुंच गए, बहुत दूर निकल गए, हम वहीं रह गए। क्यों? मैं बार बार कहता हूं, घर के लाला को मूर्ति न मानो, भगवान मानो। जब भगवान जानोगे ना तो भगवान की अनुभूतियां होंगी। कई साधकों को ये अनुभूति होती है, मेरे लाला बोले आज तो हम समोसा खाएंगे, तो हमने समोसा बना लिया, फटाक बना लिया, नहीं बना नहीं मंगा लिया, ले हो गया, मंगा लिया नहीं बना लिया, ए बना लिया, मालपुआ पाएंगे ना, मैंने बना लिया। अरे रुको, ला रही हूं ना, लुको 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 ला रही हूं। भाव ऐसे साधक आपको मिले, आप वंदन करेंगे, है कमी थोड़ी है, दर्शन करना साधकों का मिलते।
गुरुदेव भगवान का अनुराग भरत जी पर देखकर प्रभु गदगद हो गए। भगवान ने कहा कि प्रभु आपके सन्मुख में भरत जी की क्या प्रशंसा करूं, तो आशीष आपका इन पर ऐसा है, ये हमारा सौभाग्य है। अपने किसी अनन्य को, किसी प्रिय को भगवान की शरण में भगवत भजन करते हुए देखकर कितना हर्ष होता है, कैसा लगता, कैसी विवलता बनती है। जरा कल्पना करो, दुर्योधन के यहां भगवान गए, ये लाओ वो लाओ ऐसा लाओ, अरे नहीं नहीं इच्छा नहीं। भगवान तो समझ गए, लेकिन जब विद्राणी काकी के यहां पहुंचे तो काकी तो बेहवल हो गई, साग खिला दिया। भगवान वस्तु नहीं पाते, भगत जी का प्रेम पाते। हमारा प्रेम यही हमको भगवान से नहीं करके प्रदान करता। देखिए ना कितना बन रहा है, देखो अनुभूति करो, कहानी नहीं जीवन, जीवन हमारा। गुरुदेव ने कहा भरत जी से, तब उन्हें बोले भरत सन, सब सको कृपा सिंधु प्रिय भगवान। भरत जी ने प्रणाम किया गुरु आज्ञा पाकर, और जो हृदय में था सब सरकार के चरणों में अर्पित कर, स्वयं न बोले। भरत जी ने मां सरस्वती से प्रार्थना किया, हे मां मेरी मां की जिह्वा पर आरूढ़ होकर उपस्थित होकर आपने अयोध्या जी में जो उत्पात किया था आज उसको संभालने का उचित अवसर आ गया है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ बात बिगड़ जाए तो उसको बनाने का अवसर अवश्य परमात्मा प्रदान करते हैं। भरत जी ने कहा अवसर आ गया है, अब क्या कहना है आप ही कहो। अरे ऐसा कहो कि मेरे सरकार कोई अन्यथा न लगे प्रभु प्रसन्न न हो। जब हम नहीं होते हैं तो हमारे अंदर परमात्मा बोलना प्रारंभ करते। भरत जी ने कुछ कहा, उसमें वन यात्रा की कुछ बातें थोड़ी कड़वी आ गई। प्रभु ने भरत जी को लाड़ लगाया, कहा लाला परिस्थितियों को किसी के सिर पर नहीं छोड़, परिस्थिति मनुष्य से कब क्या करा ले ये कहा नहीं जा सकता। आपने अपने पर दोष रखा नहीं, आप इस मध्य में कहां आते हैं। और मां दोष दे जननी जड़ते जैन गुरु साधु सबा, मां के पिता के किसी भी व्यवहार पर जो दोषारोपण करता है वो जीव जड़ है। जिन्होंने सत्पुरुषों और सद्गुरुओं के समाज की सेवा न की है, सेवन न किया, सत्संग नहीं किया, उनके अंदर यह कलमशी भाव उपस्थित होते हैं। देखो माता पिता पर कभी दोष नहीं रखना चाहिए। माता पिता जो हमारे हित में रहा वो हमारे लिए किए। अब जरा पीछे जाकर दर्शन करो आप, वो तो हमारे लिए कर गए तो हम बेटा व बेटी को मां अपने को मृत्यु के गाल में प्रवेश करा करके संतान को जन्म देती है। मां
बच गई तो कृपा, मां पर कभी दोष नहीं हो। भोजपुरी में एक गीत है, बड़ा दर्दनाक है, एक अंतर आपको सुनाता हूं। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माये नहीं। मेरी मां जी ने एक कर दिया मेरे साथ, पिताजी ने मेरे साथ ये कर दिया। पिताजी यदि ऐसा न करके वैसा किए होते तो साहब हम आज कहां होते। ये बात जब चिंतन में आए ना, तो जो आपके पिताजी ने, मेरे पिताजी ने किया, मां जी ने किया, उस पर जरा अपनों अपने बच्चों को खाके में डालकर फिर सोचना कहां खड़े। समय उत्तर देता है। इस वर्ष हमारे पिताजी नहीं रहे, मैं बहुत दिन डिस्टर्ब रहा, अभी भी कभी कभी तो बहुत स्थिति बिगड़ जाती, निकलते ही नहीं। चिट्ठी न कोई संदेह, जाने वो कौन सा दे जहां तुम चले, जहां तुम दोष नहीं। सौभाग्य माना, माता पिता का ऋण माना, बोल कर भी जिह्वा पर निंदा नहीं। उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया, आप करो ना, आप कर दो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।